बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमा जावेद है। मैं मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी में एज एन हेड डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज काम कर रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग आज के मॉडर्न एरा में अगर हम बात करें तो ये मेडिकल टेस्टिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है। इस सिलसिले में हमने बुलाया है डॉक्टर फरहान बुखारी को, जो कि डायरेक्टर हैं JB साइंटिफिक फर्म के। ये हमें मज़ीद बताएंगे कि जेनेटिक टेस्टिंग है क्या और कहाँ कहाँ जो है इसका इस्तेमाल जो है वो एप्लीकेबल है। जी डॉक्टर फरहान मुखर्जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो है क्या बेसिकली? जेनेटिक टेस्टिंग अगर हम सिंपल अल्फाज में बताएं तो ये वो टेस्ट होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन्स होते हैं या क्रोमोसोम होता है या DNA मटेरियल होता है उसको डिटेक्ट करके उसकी टेस्टिंग की बुनियाद पे उसकी एनालिसिस, डिजीज डायग्नोसिस वगैरह के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनको हम जेनेटिक टेस्ट कहते हैं। सही, ठीक है। तो इसके फ़ायदे क्या होंगे कि जेनेटिक टेस्टिंग से जो है वो हम क्या मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को या किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है? जेनेटिक टेस्टिंग की बहुत वसी एप्लीकेशंस हैं और जैसे मैंने कहा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये होते हैं तो इंसानों में इसकी काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, जिसमें कि डिजीज़ की डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, मेडिसिन की सिलेक्शन और ओके, इसके अलावा और बहुत से इनहेरिटेड डिजीज़ की प्रिडिक्शन वो भी और हम कर सेहत सकते हैं। और सही, मुख्तलिफ स्ट्रेट्स की एनालिसिस के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। ओके। मतलब हम क्रोमोसोम या फिर जीन लेवल या प्रोटीन लेवल पे भी हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई कंडीशन जो है किसी पर्सन के पास वो डेवलप कर रहा है या वो नेक्स्ट जनरेशन में वो पास ऑन कर रहा है, तो ये प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं थ्रू जेनेटिक टेस्टिंग। बिल्कुल, जेनेटिक टेस्टिंग ही सबसे ज़्यादा मौसर तरीका है ताकि देखा जा सके कि कोई डिजीज़ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में तो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है या हो चुकी है, तो उसकी डिटेक्शन जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू पॉसिबल होती है। ओके सर, कोई स्पेसिफिक किस्म की कोई अगर आप कोई डिजीज़ का नाम बताना चाहें या कंडीशन बताएं जो थ्रू जेनेटिक टेस्टिंग हम जो है वो एज अ डायग्नोस्टिक टूल यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं? हज़ारों डिजीज़ हैं, चंद जो जहन में आ रही हैं मोटी मोटी, जैसे कि क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी होती है जिसमें क्रोमोसोम के नंबर होते हैं सही। या ज़्यादा कम हो सकते हैं, वाली डिजीज़ जैसे कि मशहूर डिजीज़ है डाउन सिंड्रोम, और इसके अलावा कुछ और भी डिजीज़ हैं जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक मशहूर बीमारी है, और इसके अलावा बहुत उसकी सी भी डायग्नोसिस पॉसिबल है पॉसिबल हैं। सर। कैंसर की क्या डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस की अगर हम हवाले से बात करें तो क्या जेनेटिक टेस्टिंग के जरूर के जरिए पॉसिबल है ये चीज़? जी, कैंसर जैसे कि आपको मालूम होगा दो किस्म के होते हैं, एक होता है जो कि ट्रांसफ़र हो जाता है एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में, और दूसरा कैंसर होता है जो किसी भी इंसान को खुद ब खुद हो जाता है। सही। तो दोनों टाइप के जो कैंसर हैं उनकी जो डिटेक्शन, उनकी डायग्नोसिस जो है वो मुमकिन होती है इन जेनेटिक टेस्ट के थ्रू। सही सर। सर, जेनेटिक टेस्टिंग का नाम सुनते साथ ही हमारे जहन में आता है DNA सीक्वेंस। तो एक्सोम सीक्वेंसिंग या होल DNA सीक्वेंसिंग का रोल होगा इसमें, तो जी, काइंडली अगर इसको थोड़ा सा आप एलिब्रेट करें। जेनेटिक टेस्टिंग जैसे कि हमने जिक्र किया था पहले कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी इंसान के सेल के अंदर उसको कहते हैं, तो इसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। कभी कभी कुछ टेस्ट सिर्फ एक छोटा सा DNA का हिस्सा डिटेक्ट करते हैं, वो कभी कभी ज़रूरत के तहत एक बड़ा जीन या फिर पूरा जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम DNA कहते हैं वो उसको डिटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। सही। तो जब हम सिर्फ जीन्स को, तमाम जीन्स को करते हैं टेस्ट, तो उसको हम कहते हैं एक्सोम सीक्वेंसिंग, और अगर हमें पूरे DNA को सीक्वेंस करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम कहते हैं होल जीनोम सीक्वेंसिंग। और दोनों के अपने अपने बहुत इम्पोर्टेंट रोल्स हैं मेडिकल साइंस में और जेनेटिक मेडिसिन में, और इनकी बुनियाद पर हम रिसर्च भी करते हैं, और इसके अलावा क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इनकी काफ़ी कॉमन यूजेज है। पाकिस्तान में निस्बतन कम है लेकिन इसको अभी हम एक्सपेंड कर रहे हैं पाकिस्तान में। सर, आपकी JB साइंटिफिक फर्म इसी तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? जी हाँ, तो हमारी कंपनी JB साइंटिफिक एक डेडिकेटेड कमर्शियल क्लिनिकल जेनेटिक्स लैब है जहाँ पर उसका फोकस कैंसर के जेनेटिक टेस्टिंग
की सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जिसमें हम पेशेंट्स के कैंसर के सैंपल्स को हम डायग्नोज करेंगे जेनेटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू, और फिर उसके बुनियाद पे जो उनके लिए अच्छी और मौसर टारगेटेड कैंसर थेरेपी को सेलेक्ट करके हम उनके डॉक्टर को बताएंगे कि मरीज़ के कैंसर के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ जो कि FDA अप्रूव्ड हैं वो मौसर और सेफ़ हैं उनको दे सकते हैं। जी। तो इससे ये होगा कि पेशेंट के लिए जो कन्वेंशनल कीमोथेरेपी के जो मुज़िर असरात होते हैं उससे बचाया जा सकता है। सही, थैंक यू सो मच सर। इसमें के डीएनए सीक्वेंसिंग और जेनेटिक टेस्टिंग के लिए हमें हमारे पास डीप नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिकली जेनेटिक टेस्टिंग है क्या, और जेनेटिक टेस्टिंग जो मेडिकल, जिसमें मैंने पहले बताया कि मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल है जो कि करंटली यूज़ हो रहा है। थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिक टेस्ट जो हैं वो इस टाइम करंटली यूज़ हो रहे हैं और मोर आर बीइंग डेवलप्ड। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसी चीज़ को फोकस करते हुए मोहम्मद अली यूनिवर्सिटी में हमारे पास जो बायोसाइंसेस का प्रोग्राम है, एट अंडर ग्रेजुएट लेवल हमने डिफरेंट कोर्सेज, मल्टीपल कोर्सेज जो हैं वो ऑफ़र किए हैं। लाइक जीनोमिक्स है हमारे पास, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कोर्सेज हमने ऑफ़र किए, ताकि स्टूडेंट अभी से इसी स्टेज पे उनके पास जो बेसिक लर्निंग हो और एक बेस बन जाए। इसी तरीके से हाँ, जो हमारा एक और प्रोग्राम है MS बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उसमें जीनोमिक मेडिसिन सर बकायदा इस पर जो है स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। यहाँ के फैकल्टी मेंबर ना सिर्फ, बल्कि हम जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से भी जो है फैकल्टी मेंबर्स को और फ्रॉम द इंडस्ट्री साइड उनको बुलाते हैं, और ताकि स्टूडेंट इस हद तक इस टॉपिक पर जो है कमांड हासिल कर ले, इस पे रिसर्च करे, ताकि कंट्री को, पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हो और मरीज़ों को जो है वो बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो दिया जा सके। थैंक यू सो मच सर आपके यहाँ आने का और इस टॉपिक पे जो है ब्रीफिंग देने का। थैंक यू बहुत बहुत सर, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।